नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव के बीच तनाव लगातार बढ़ती जा रही है। अब चाचा भतीजे की लड़ाई पर शिवपाल सिंह यादव खुलकर बोलने को तैयार हो गए हैं। उन्होंने शुक्रवार यानी कि 6 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवपाल सिंह यादव मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे और दोनों के बीच चल रहे तनाव से जुड़े सभी सवालों का जवाब भी देंगे। शिवपाल पहले भी कई बार अखिलेश यादव से अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे अखिलेश को लेकर क्या कहते हैं। वहीं 3 मई को भी शिवपाल ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा था कि जिसे हमने चलना सिखाया वो हमें रौंदता रहा। उन्होंने ईद के मौके पर भी एक ट्वीट कर कहा कि अपने सम्मान में न्यूनतम बिंदु पर जाकर भी अखिलेश को संतुष्ट करने की कोशिश की। इस सबके बावजूद भी आज अगर नाराज हूं तो सोचिए किस स्तर पर उनके दिल को चोट दी होगी। यहां पर देखने को मिल रहा है कि दोनों के बीच चल रहे इस टकराव के बीच अब शिवपाल सिंह यादव जो है बीजेपी में शामिल होने के भी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब इस मौके पर देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी और यूपी सरकार की जिस तरह से वो तारीफें कर रहे थे, अब यहां पर शिवपाल सिंह यादव क्या सच में बीजेपी में ज्वाइन होते हैं या नहीं। यहां पर अगर चाचा और भतीजे की लड़ाई की बात करें तो साल 2017 से ही विधानसभा चुनाव से पहले ही शिवपाल और अखिलेश के बीच फूट पड़ गई थी। अखिलेश नाराज होकर ही समाजवादी पार्टी से अलग होकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यहां पर शिवपाल सिंह यादव ने बनाई थी। हालांकि बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के कहने पर वो 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश का साथ देने के लिए तैयार हो गए थे। इन चुनाव में भी उन्हें निराशा ही मिली और सिर्फ एक ही सीट दी गई, जिसके बाद देखने को मिल रहा है कि चाचा और भतीजे के बीच जो तनाव है वो काफी बढ़ता चला जा रहा है। और इसी बीच जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव ने 6 मई यानी कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है, अब देखना दिलचस्प होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवपाल सिंह यादव कौन से एक नए और बड़े चीजों पर खुलासा करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।